गार्डन है ना, इसके अंदर बागी 3 की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे हुई थी गाइस बागी 3 की शूटिंग। टीपी हालत फिर और बिगड़ती जाती है, ये देखो कांच ही कांच लग लगा जाएगी। छोड़ो, मैं थोड़ा फ्लैश करके दिखा रहा हूँ, ये देखो गाइस। हर हर महादेव गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी चल रहे, देखो पहले गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, रोज का है मेरा गाड़ी बाहर निकालना। इसको धो दिया मैं अच्छे से, गाड़ी में दिखाता हूँ। फिर आज भी राजा पाक डेली जिम का हो गया ना, तो व्लॉग्स एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेंगे, उसके लिए सॉरी। ठीक है गाइस, तो मैंने गाइस गाड़ी तो ढंग से धो दी एकदम बाहर से, या गंदी हो रही थी ना, ये जल्दी कीचड़ में होती है। तो एक बार इसकी पहले थोड़ी हवा पास करे, इसका एसी चलाए हुए बहुत दिन हो गए, एक बार फैन चलने दो थोड़ी देर, फिर एसी ऑन करते हैं। रोड पर आते ही मैंने गाड़ी धोई थी, एक बार बाहर निकाल लूँ, तो पसीने पसीने हो जाते हैं गाड़ी धोते ही। गर्मी गाइस बहुत तेज होने लग गई, और इसका एसी हम चलाते ही नहीं है, क्यों? अगर इसका एसी चलता है तो ये साला 3 की एवरेज देती है गाड़ी ही, 3 की, 4 की, 5 की, क्योंकि इंजन पुराना हो गया ना मेन। तो मेरा डेली है, मेरे को डेली गाड़ी से बाहर निकालनी पड़ती है, क्योंकि पापा जाते हैं ना। अब मंदिर के सामने लाता हूँ, मंदिर के सामने देखते हैं अब आज कैसे लाते हैं। पहले गेट खोल दूँ, देखो रोड का ये जब से अब तक ऐसे ही पड़ा है। तो साला ये देखो, ये तो स्कॉर्पियो तो मजे से चढ़ जाती है, अब तो लौरा भी चढ़ने लग गई। लौरा को बैक करके लाओ, जब जाके चढ़ती है वो भी, ये आराम से उतर जाती है। फोन को वहाँ रख देता हूँ, जिससे आपको शॉर्ट्स भी अच्छे से दिखेंगे। ये देखो हर जगह पत्थर ही पत्थर। अब मैं इसको यहाँ से तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर के सामने तो बिछा दिया, बट फट जाते हैं ना, अगर टेरेस पे चढ़ाऊंगा ना तो फट जाएंगे, इसलिए मेरे को यहाँ से दूसरी वाली रोड से ले जाना पड़ेगा। ये देखो एकदम से कैसे उचकती है, ये देखो ये है स्कॉर्पियो, ये करती है, जब आता है स्कॉर्पियो में मजा बात ही निराली। और इसको है ना, इस रोड पर चलाने का अलग ही मजा आता है, क्यों? अगर इसमें बॉडी रोल गाड़ी जो झूलती है ना, वो झूलना ही मजे का, बहुत मज़ेदार आता है। और ये एकदम से जो पिकअप पकड़ती है ना गाड़ी, हाँ, इसका फैन चल रहा है, अब एसी ऑन करते हैं। इसका एसी भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा ब्लोअर स्लो है, बाकी पूरी गाड़ी थर्ड रो तक चिल्ड कर देती है, मतलब पीछे भी एसी वेंट्स है, थर्ड रो में एसी वेंट्स नहीं है। अरे यहाँ से गाड़ी कूदानी पड़ेगी, अब देखो मैं कैसे लेके जाता हूँ। गाड़ी वहाँ लगाते हैं, ये निकली गाड़ी, वहाँ पे लगाएंगे, फिर पापा आएंगे वहाँ से ले जाएंगे। वैसे तो मंदिर के आगे लगाते हैं, पर ये रोड की वजह से अब यहाँ पे सीधा स्ट्रेट करके लगा देता हूँ ना। एक काम करता हूँ, चढ़ जा चढ़ जा। पापा आ गए, आज दोपहर में चलते हैं राजा पार्क जिम जाएंगे आज। गाइस अब चलते हैं जिम, आज सेकंड डे है। अभी लक्की की उसकी बच्चा भाई डायरेक्ट इस सीढ़ी से सीधा, यहाँ मेरा ध्यान नहीं रहा, ब्लॉग बनाते 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 नीचे गिर गया। और अभी सोचो मैं ऐसे ब्लॉग बनाता बनाता चलता और कुत्ते में पैर रख देता ना, फिर देखो कैसे घूर रहा है मेरे को। दो भाई पंगा मत लो, बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो लक्की क्या आया था, पर लक्की है ही नहीं इधर, थवानी। हाँ भाई जा रहा हूँ, हाँ थवानी तो है ही नहीं यहाँ, तो आप चलते हैं जिम, जिम के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सेकेंड डे है जिम का, और अभी आए देखो अब जिम करेंगे आज भी। अगर आज पसंद आया तो इस जिम को ही फाइनल कर देंगे। अभी मैंने मेंबरशिप की पेमेंट जमा नहीं करी, ठीक है, जितनी पेमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा बाकी। वो देखो हो रहा गाइस, देखो वापस अपन उस रोड पे आ गए जहाँ पे पहले मैं आया करता था ना रात को बॉक्सिंग से, सीधा इधर दीपांशु के घर, इसकी खुशी के लिए वापस कर देता हूँ। तो ये देख लो वापस वो सिंधी कॉलोनी। गाइस मीट माई फ्रेंड दीपांशु अटवानी। और भाई क्या हालचाल, ये याद भी नहीं करता है ना, फोन करता है। और इसकी देखो सर जा रहे जिम, पहले से हाइट बढ़ गई।
बढ़ गई तो कमेंट में बताओ आप बड़ी है ना बड़ी। तीन साल से तो एक जैसा लग रहा है। इज्जत की बात है। हाँ इज्जत की। तीन साल से तो ऐसा जब से देखा जब से आप मेरे को तो इतना ही लग रहा है, बाकी आप देख के बताओ। रुक जा तो। और बता ये हमारी निकाले कौन भाई साहब सच में तुम्हारी है? चाचा की है। क्या नहीं वो है ये। हाँ पोमेलियन सही है। पता रहे हमारे घर की ब्रीड नहीं पता। क्या अरे तो क्या नाचो मैं गाइस एक्चुअली क्या मैं एक्टिवा पे आया हूँ ना तो मेरे बाल ऐसे हो गए हेलमेट की वजह से। खैर देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं घर जा रहा हूँ ना तो रास्ते में मेरे पड़ता ही है तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ ना। हिस्टोरिकल चीज़ है ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस ये है पूरा सिसोदिया गार्डन सामने, इसके बैक साइड पूरा सिसोदिया रानी का बाग है पूरा। ये इधर ये मंदिर है, पुराने राजा महाराजाओं का बनाया हुआ है, सिसोदिया रानी का बनाया हुआ है। ये पूरा झालाना फॉरेस्ट आ गया। देखो वो जो पहाड़ी है वो झालाना की पहाड़ी है, और ये जो पहाड़ी है ये गलताजी वाली पहाड़ी है, आमागढ़ रिजर्व बोलते हैं ठीक है, गलताजी पहाड़ी। और देखो कितना सा गैप है, कितना सा गैप है दोनों। और ये मंदिर है, इस मंदिर के मैं दर्शन कराता हूँ। बाकी ये सिसोदिया गार्डन हो गया, यहीं से दर्शन कर लो। बाकी पूरा ये देख सकते हो आश्रम टाइप बना हुआ है बाबा का। और वहाँ ऊपर देखो दो टावर, एक दिन वहाँ पर भी चल के दिखाएंगे आपको, रूम वूम बने हुए हैं टावर वगैरह। ये देखो डॉगी आ गया है। ये देखो गाइस छोटे छोटे इन्होंने डॉगी पाल रखे हैं। ऐसे आप लोग भी पाला करो, देसी डॉग्स हो ना इनको पालो जितना हो सके। मतलब क्या स्ट्रीट्स पे रोडों पे ऐसे डोलते रहते हैं तो जरूरी नहीं है अपने को ब्रीड ही दिखानी हो, छोटे से भी हो ना देसी टाइप उनको भी पालो। अब वो यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस यहाँ पे आ गए हम। ये सीधा वो आ गया, ये अपनी देख लो अंतर दोनों पे, ये भी अपनी वही गलता वाली पार्टी है और इसके पीछे सिसोदिया गार्डन। यहाँ पे टिकट कटता है इसका ठीक है गाइस, चलते हैं चलो दर्शन कर लिए तो मेन तो दर्शन था अपना। मैं आपको वहाँ से भी दिखाता हूँ मेन एरिया, यहाँ पे भी मंदिर वगैरह बने हुए हैं। और ये देखो ये गार्डन में जाने का एरिया, यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ से सब दिख सकता है गाइस। देखो ये मेन वो जगह आ गई, यहाँ पे देखो यहाँ से ये मेन गाड़ियाँ वाड़ियाँ, मतलब किसी ने खरीद लिया पूरा, बढ़िया महल वहल बना रखा है पूरा। वो आगे दिख रहा रानी विलास और सुनार बाग, वो सुनार बाग में बना रखा है। यहाँ पे शूटिंग्स होती है बहुत सारी फिल्म्स की, टाइगर वो क्या बोलते हैं क्या ना बागी थ्री की शूटिंग भी गाइस इधर ही हो रखी है। ये सिसोदिया गार्डन है ना, इसके अंदर बागी थ्री की शूटिंग हुई थी, यहाँ पे हुई थी गाइस बागी थ्री की शूटिंग, सिसोदिया रानी का बाग। और ये देखो चलते यहाँ पे भी पहले शादी हुआ करती थी पर अब बंद कर दिया। और देखो उधर भी गार्डन है पूरा रानी का। अब क्या है ये पूरा जो बनते हुए आ रहे हैं ना इधर से रास्ते में पूरा घर, तो ये क्या है राजा महाराजाओं के जो उस टाइम जो लोग काम करते थे ना उनको दी हुई है, जबकि उनकी पीढ़ी टू पीढ़ी चलती आई है ये वो कर रहे हैं सब उनके उनके पास है। यहाँ से भोलेनाथ के दर्शन कर लो। रात को यहाँ पैंथर्स भी आ जाते हैं, ये देखो ये पूरा फॉरेस्ट है ना, पैंथर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत रखनी पड़ती है इन लोगों को, जैसे अपने उधर भी आ जाते हैं। गाइस फाइनली घर आ गए। बाकी जो मैं आपको रास्ते में जो गार्डन दिखा रहा था ना तो मैं उसके अंदर मैंने कमेंट्री भी बोला नहीं, तो मैं अभी गूगल पे सर्च किया। बाकी मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा, मैं उसके अंदर लिख दूंगा क्या बोलते हैं कितने साल पुराना बना हुआ है। बाकी मैं आपको है ना वो गार्डन उसकी बाउंड्री पे चढ़ के भी दिखा सकता था, क्योंकि मैंने दिखाएंगे उस गार्डन को भी दिखाएंगे अंदर जाके दिखाएंगे, मैं चढ़ के भी दिखा सकता था क्योंकि अच्छा नहीं लगता और गलत है। तो अपन क्या करेंगे अंदर जाके आपको मैं पूरा गार्डन दिखाऊंगा। गाइस रोनी भी ब्लॉग में आना चाहती थी वो। हाँ भाई अब देखो कहाँ से आएगी रोनी, आओ। ये देखो ये देखो ये मैडम अलग ही एंटी की आई है हमारे, एक वहाँ से निकल रही है साइड से। ये देखो ये अरे अरे ये हमारे एंटी की भर रहे अब ये, अरे ये देखो पागल हो रही है, क्या चाहिए बेटा। ये देखो गाइस कहाँ से निकल रही है। अरे भाई मैं सॉरी गलती हो गई मेरे से रोनी को छेड़ के। देखो पूछ की मार रही ले वही ले। और आपको एक चीज और शेयर करनी है आपसे, देखो मैं एक चीज वहां जाके दिखाता हूँ। गाइस किसी ने अपनी गाड़ी का कांच फोड़ दिया। एक्चुअली हुआ क्या, ये अपने वहाँ ऑफिस
तो पापा तो एक्चुअली सो गए, और किसी शायद बच्चे ने, किसी ने, देखो मैं थोड़ा फ्लैश करके दिखा रहा हूँ, ये देखो गाइस, किसी ने लौरा जी, लौरा का, ये देखो अंदर कांच कांच पड़े ना, ये मैंने सीट उठा के वहाँ कर दी, क्योंकि सीट पे आ गए थे कांच, सीट टिल्ट कराई हुई है। अब मैं हाथ दे के करूँगा तो मेरे ये चुभ जाएंगे, इसलिए मैं कर नहीं रहा, बाकी देख लो। किसी बच्चे से फूट गया, पता ही नहीं, पापा तो कह रहे कि शायद किसी बच्चे ने कर दिया। कोई बात नहीं, इसको भी अब सही करवाना ही पड़ेगा, है ना। अब ये देखो, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अब गर्मी आ गई ना, तो गर्मी में नई नई चीज़ें आ रही है, देखो, दिखा, गैस करो क्या है, समझ गए होंगे पेड़ को देख के, ये हर पूरे सब पेड़ में आने लग गए, देखो इसमें भी ये आ रहे, दिख रहे होंगे सभी, ये सारे एक ही उस चीज़ के पेड़ है, एक ही चीज़ के सारे पेड़ है। अब कौन सा वो है फ्रूट, कमेंट में बताओ। देखो ये हो गया कोकोनट का, नारियल का पेड़, ये हो गया बॉटम का। अब बॉटम का पेड़ देखो घर में बहुत अच्छा लगता है, घर के अंदर इस टाइप के पेड़ होते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पेड़, इनसे क्या लुक आता है, एक पूरे घर को लुक इन्हेंस करता है। ये देखो पिलर है ना पूरा, ये डॉम खड़ा हुआ है इसके, देखो बराबर, मतलब थोड़ा ऊंचा है। और ये देखो आंवले अभी भी रह गए, वापस से अच्छे आंवले आएंगे इनमें, बाकी सबके करूँगा। ये चीकू का हो गया,